हमेशा हमसे बिना पूछे यहाँ वहाँ भाग क्यों जाते हैं? आप माँ से प्यार नहीं करती हो क्या? ओ मेरी माँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। अच्छा, मैं तुमसे प्यार करता रहता हूँ और तुम डरती रहती हो। माँ है ना हम, इसलिए हमारे लिए डरना हमारी प्यार और परवरिश का हिस्सा है। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, छोटे हैं। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी। माँ तुमने ये वाली पिक्चर देखी है क्या? उसमें क्या होता है? ये फिल्म है आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार। ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची इंसिया की, जिसकी माँ से प्यार से इंसु बुलाती है, और वैसे ही हम आपको नींबू बुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। इंसु को गाना बहुत पसंद है, वो खूब अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके जो पापा हैं ना, उन्हें उसका गाना बजाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इंसु दीदी के पापा भी क्या मेरे पापा जैसे बहुत बहुत खड़ूस है क्या? नहीं, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते ना। सॉरी माँ, आगे बताओ क्या हुआ इंसु दीदी को? इंसिया के पापा को ना इंसिया का गाना बजाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इंसिया की माँ नजमा ने उनकी मदद करी अपने पति से छुपा कर। उसे जो बन पड़ा ना वो किया, और इंसिया को गाना गाने का मौका दिलाया। आपको पता है, इंसिया की माँ के प्यार के कारण इंसिया ने दिल भर कर अपनी दिल की सुनकर खूब अच्छे से गाना गाया और खूब नाम कमाया। इंसु दीदी की माँ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है माँ। जरा बाहर का मटका कर, दिल्ली हो या ऋषिकेश, तेरे लिए कायदे कानून सब जगह बराबर हैं। तो क्या हमने कहा था कि अपना बटुआ अंदर भूल आई है? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, चौखट से कदम बाहर रखते हैं यहाँ, लगता है काटनी पड़ेगी इसे। क्यों अब ये लोग कौन है? सॉरी, आजा बेटा नीचे चल। मैं आर्ची के साथ कौन है? अरे इन्हीं लोगों से तो मिलवाना है तुझे, वेडिंग प्लानर। मां मैंने आपसे क्या कहा था, मुझे फालतू का शौक पसंद नहीं है, और आप फिर भी। बेटा तेरी दूसरी शादी हो रही है, मगर आर्ची की तो पहली शादी है ना, और सोच अरविंद भाई सबको कैसा लगेगा जब उनकी इकलौती लड़की की शादी इतनी रूखी सूखी हुई थी। प्लीज आजा 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 नीव नीव